विश्वविद्यालय की सुरक्षा का जिम्मा उस एजेंसी को जिसकी जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति अरुण कुमार के समय में सुरक्षा एजेंसी के चयन का मामला जहां विवादों के घेरे में है, वहीं टीएमबीयू प्रशासन ने भी विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए उसी एजेंसी का चयन किया जिसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। बताया जा रहा है कि बीएयू में सामंता सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना को तकनीकी बिड रद्द होने के बावजूद टेंडर देने के मामले की जांच में ईओयू की टीम पिछले दिनों बीएयू पहुंची और टेंडर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले गई। इधर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, कुलपति, प्रतिकुलपति और रजिस्ट्रार आवास समेत दिनकर कैंपस, ओल्ड पीजी कैंपस, विश्वविद्यालय स्टेडियम, 24 परगना महिला छात्रावास, रविन्द्र भवन, गेस्ट हाउस, कंट्रोलर ऑफिस, विश्वविद्यालय मुख्य द्वार सहित कई स्थानों पर सोमवार से सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती कर दी गई। इसके पूर्व प्रशासनिक भवन परिसर में सामंता सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों ने सुरक्षा गार्ड को ड्यूटी के बारे में जानकारी दी। वहीं विश्वविद्यालय के तहखाने से ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि कमीशन के चक्कर में टीएमबीयू के अधिकारियों ने विवादित एजेंसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। प्रोफेसर एसडी झा ने बताया कि विश्वविद्यालय में लगभग 45 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है जिसकी ड्यूटी शिफ्ट में रहेगी। जानकारी के अनुसार सामंता सुरक्षा और खुफिया सेवा प्राइवेट लिमिटेड पटना के जिन जवानों को टीएमबीयू में ड्यूटी के लिए लगाया गया है उससे जुड़ी कागजात भी विश्वविद्यालय प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं। एक सवाल के जवाब में प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों को सभी जवानों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अन्य कागजात कुलानुशासक कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है। इधर सामंता सिक्योरिटीज के मामले पर वित्तीय कमेटी के मेंबर सह टीएमबीयू के सीनेंट सदस्य मुजफ्फर अहमद ने सवाल खड़े कर दिए। मुजफ्फर अहमद ने कहा कि वित्त कमेटी की बैठक में सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी लेकिन बिना टेंडर के ही एजेंसी का चयन कर लिया गया। लगाए गए हैं निजी? हाँ, वो ऐसा है ना कि वो एक निजी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने ऐसा ही निर्णय लिया है और विभिन्न जगहों पर सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है। कितने सुरक्षा गार्डों की तैनाती हुई है सर? अभी जो रफली है वो अभी 45 जो रफली एक आइडिया है, वो कागज मैंने देखा नहीं है लेकिन 45 के आसपास है। लाठीधारी के अलावा क्या गनमैन भी रहेंगे? हाँ, गनमैन भी रहेंगे, लाठीधारी के अलावा गनमैन भी रहेंगे। क्या लगता है और गार्ड की आवश्यकता है क्या? और वो समय बताएगा, मुआयना करूँगा, एज ए प्रॉक्टर मैं देखूँगा कि क्या स्थितियाँ हैं, अगर आवश्यकता हुई तो बढ़ाऊँगा नहीं तो फिर घटा भी सकते हैं। कई जगह पर अतिक्रमण जानकारी नहीं है, आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी मिली है कि आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 50 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया है। हम लोगों के पहले संज्ञान में नहीं था। ये वित्त कमेटी में ऐसा कहा गया था या ऐसा पास हुआ था कि सुरक्षा की आवश्यकता है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नाम के लिए कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसमें तो टेंडर होना चाहिए जो टेंडर नहीं हुआ है। क्या लगता है कमीशन में बात आ रहा है? ये तो इंटरनल बात है, वो मैं जानकारी नहीं है लेकिन किसी खास को अगर मदद किया जा रहा है तो इसके पीछे की मंशा को समझना होगा। ये हम लोग को जानकारी नहीं है लेकिन अगर बिना टेंडर के हुआ है तो ये बिल्कुल ये वित्तीय अनियमितता है। आप लोग हम लोग को जानकारी ही नहीं है कि इसका कब टेंडर हुआ, कब इसका नोटिफिकेशन निकला, ये हम लोग को जानकारी नहीं है। मुजफ्फर अहमद, वित्त कमेटी सदस्य, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय।